हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अब आप व्यू देखो यार, मज़ा आ जाएगा आपको। अभी हम चलने भी वाले हैं और यहाँ एक्सपेक्टेड है थोड़ी बहुत देर में स्नोफॉल भी, तो आपको स्नोफॉल में बिल्कुल लाइव भी दिखाऊंगा होते हुए, और मजे लो यार, इसीलिए तो आते पहाड़ों पे, यही चीज तो है दिखाने लायक। अब वो खड़ी है हमारी कार, कोई बोलेगा यार कहाँ से आए कैसे आए, तो जी देखो ये दिख रही होगी हमारी एल्ट्रॉस। ये नीचे घाटी है, ये देखो सामने ही यहाँ पे नदी बह रही है। बहुत सुंदर है यार, सीरियसली वर्थ इट, आना चाहिए एक बार सबको यार पहाड़ों पे। यहाँ जैसी शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। अभी यार मैंने मुंह भी नहीं धोया इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, रेडी वेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे। हाँ, नहीं, अपना ही चल रहा है। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, भैया हेल्प करेंगे हमारी थोड़ी सी कार निकालने में, और मौसम तो यहाँ बन गया है पूरा स्नोफॉल वाला। तो चलो जी दिखाते हैं आपको, कुछ नज़ारे भी दिखाते हैं पहले और फिर निकलते हैं अपनी जर्नी पे। ये देखो ऊपर ऑलरेडी, जैसे कि भैया बता रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, और आप आसमान भी देखोगे ना पूरे बादल हैं। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर यहाँ भी स्नोफॉल होने वाली है। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ, हमारी कार जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, और अब स्नोफॉल यहाँ हो जाएगी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऊपर आने में? वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यहाँ पे स्नो पड़ना शुरू हो जाएगा ना तो आपको नीचे रखनी पड़ेगी सरकार। अच्छा, नीचे कहीं लगा के रखनी पड़ेगी साइड। अच्छा, फिर ऊपर नहीं आ पाएगी? ऊपर नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ेगी ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ है यार कि अगर बर्फ पड़ गई तो फिर हमें नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी, बट ठीक है भैया हेल्प कर देंगे, है ना? ठीक है, चलो ठीक है यार, गाड़ी निकालते हैं। पहले तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी रात में आई थिंक -4-5 तो गया होगा जी, 4-5 डिग्री यहाँ भी गया है रात में। तो 5 मिनट कोल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी जर्नी पे। ये देखो ये शिवांश कैसे रोता हुआ आ रहा है, गाड़ी की जिद कर रहा है, गाड़ी की चाबी उसे ही लेनी है, गाड़ी उसे ही खोलनी है, उसे ही बंद करनी है। शिवांश से हाय हाय। तो भाई हम अब हडिम्बा टेंपल जा रहे हैं, कोमल की हालत देखो। यार मुझे तो दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि थोड़ी सी आदत भी है, स्टेयर्स ऐसे हैं कुछ। अब इसमें थोड़ा सा आपको नहीं पता लगेगा बट काफी खड़े खड़े स्टेयर्स हैं। ये व्यू है, अब तो हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। और इवन ये देखो जो कोमल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लेन आ गया। अब साइड में दिख रही है चादर जैसी दिखाई दे रही है, वही माता पहुंच गए। देखो सामने यार, वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ बार बार। ये कितने का है? आ जाओ आराम से आ जाओ। सही लग रहा है?
बातो तो यार बारिश हो रही है यहाँ पे और ऊपर स्नोफॉल भी है, हमें मिली भी थी तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली पूरी रात स्नोफॉल मिलने वाली है हमें। यहाँ पे खरगोश भी रखे हुए हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। सुबह ये एंट्री है, रास्ता है मंदिर में एंटर होने का। और ये सब लोकल कारीगरी हैं, ये कुछ पुराने सिक्के भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ओह पार्क भी है यहाँ, दे दिए। सो यार अगर आप लोग यहाँ आते हो तो इनकी भी आप राइड ले सकते हो। कोमल लेनी है राइड, ले लो। क्यों कितना सुंदर है यार ये। पान भी मिलता है यहाँ पे किसी को खाना हो तो। सूरज सो वी फाइनली रीच्ड मंदिर। थक तो नहीं रही हो? अरे यार थोड़ा सा तो चले ही है, थकना क्या है, चलो आओ। मेन एंट्री है, यहाँ से आप एंटर हो गए सो यहाँ पे पहले शूज आपको उतारने पड़ेंगे तो ही आप एंटर हो पाओगे। देख पा रहे होंगे आप बारिश हो रही है अच्छी खासी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी मना है तो अंदर तो भाई अंदर तो फोटो हम नहीं ले सकते हैं तो जो भी होगा जितना भी होगा मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड भाई। फाइनली मंदिर के दर्शन तो हो गए हैं तो अंदर तो अलाउड नहीं है फोटोग्राफी तो अंदर की तो वीडियोस में आपको नहीं दिखा पाया बट हाँ मस्त विजिट है, आप सबको आना चाहिए एक बार अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है यहाँ पे आना। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं अभी क्या क्या जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाकी मम्मी और शिवांश को तो हमने कार में ही छोड़ दिया था क्योंकि दिक्कत थी उन्हें, मम्मी भी इतना स्टेयर्स पे नहीं चढ़ सकती थी और शिवांश के लिए भी मैनेज करना मुश्किल है यार 3 साल का है तो इस वजह से मैं और कोमल ही आए हैं। कोमल की भी हालत देखो ख़राब हो गई है। अब देखो कोमल की भी चलना मुश्किल हो रहा है। अब यार एक चीज़ ना बड़ी बड़ी अजीब हुई यहाँ पे ना आंटियाँ हाथ में खरगोश लेके घूम रही है और वो भाग ही नहीं रहे, उन्होंने उसे नीचे भी छोड़ा पर वो भाग नहीं रहे। तो मैं उसे यही पूछ रहा था कि भाई हमने तो कहानी भी यही सुनी है और रियल लाइफ में भी ये देखा है कि खरगोश तो भागते बहुत तेज हैं और छूटते ही भाग जाते हैं, देखते भाग जाते हैं लोगों को, ये खरगोश भाग ही नहीं रहे। अब आपको मैं फोटोग्राफी भी शेयर करूँगा इस वाली ब्लॉग में तो आप प्लीज़ वो देखना, उन्होंने नीचे भी छोड़ा बट वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। सो ठीक है यार एक चीज़ ये थी बतानी की, बाकी एक्सप्लोर करते हैं और जगहों को और दिखाते हैं आपको तो स्टे ट्यून्ड। चेक आउट द व्यू, देखो यार कभी भी स्नोफॉल हो सकती है
ये नीचे मनाली की मॉल रोड है, जो कि इस यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप मॉल रोड भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो मैं दिखाता हूँ आगे ब्लॉग में आपको। सो क्या यार, हिडिंबा टेम्पल तो हम लोगों ने कर लिया एक्सप्लोर, अब देखते हैं अब कहाँ जा सकते हैं, क्या ऑप्शन मिलते हैं, और लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू। है कोमल, कहाँ चलना चाहिए? मॉल रोड चले आज, बाद में भी कर सकते हैं। बारिश हो रही है जी, बारिश हो रही है अच्छी खासी, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है जी, कभी भी। तो ये बेस्ट टाइम है यार मनाली शिमला ये सब जगह ट्रेवल करने का, लाइक फ्रॉम दिसंबर टू टिल फेब एंड आप लोग कभी भी आ सकते हो और स्नोफॉल का मजा ले सकते हो यहाँ पे। ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है अभी, बैक करो आप। भैया बैक करो, गाड़ी आ रही है अभी, गाड़ी आ रही है ऊपर। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, और आई थिंक आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।